हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल मंत्रा यूट्यूब चैनल। दिस इज़ ओम प्रकाश। अभी अभी कुछ देर पहले एमसीसी की वेबसाइट पे एक नोटिस आई है जिसमें ये कहा गया है कि एमसीसी स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट करवाएगी। जी हाँ, जैसा कि आप सबको पता है कि सीट ब्लॉकिंग के कारण स्ट्रे वैकेंसी राउंड में काफ़ी सारी सीटें खाली रह गई हैं गवर्नमेंट कोटा की, जिसमें कि ऑल इंडिया कोटा की सीटें हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, एम्स और जिपमर में भी कुछ सीटें खाली रह गई हैं। टोटल जो है अभी 325 सीटें खाली रह गई हैं अक्रॉस ऑल दिस कैटेगरी, ऑल इंडिया कोटा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एम्स और जिपमर। इन्हीं सीटों को फिल करने के लिए एमसीसी स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट करवाने जा रही है, जिसकी नोटिस जैसा कि मैंने बताया कि वेबसाइट पे आ चुकी है और इसके हालांकि सीट मैट्रिक्स अभी नहीं आई है, जिसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये फिफ्थ राउंड स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट करवाई जा रही है। जिन कैंडिडेट्स को कुछ स्कोर से 2-3 मार्क्स के स्कोर से इनको सीट नहीं मिली है, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हालांकि ऑलरेडी काफ़ी डिले हो चुका है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एमसीसी की जैसी कि जो नीतियाँ हैं उसमें कुछ डेफिनेटली खाली है, ऑलरेडी काफ़ी डिले और डिले के कारण डिले हुई है। फिर भी अप्रैल के महीने में है और अभी भी जो है काउंसलिंग पूरी नहीं हुई है। बहरहाल, जैसा कि मैंने बताया कि उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको सीट नहीं मिली है, उनके लिए एक फाइनल अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके क्या नियम होंगे, आइए हम फटाफट जान लेते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि जो फिफ्थ राउंड है, स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड है, इसमें सिर्फ वही कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे जिनको अभी कोई सीट अलॉट नहीं हुई है या जिन्होंने अभी कोई सीट पे एडमिशन नहीं लिया है, चाहे वो ऑल इंडिया काउंसलिंग हो या फिर अपने रिस्पेक्टिव स्टेट के काउंसलिंग में जिन्होंने अभी कोई सीट होल्ड नहीं किया है, जिन्होंने अभी एडमिशन नहीं लिया है, सिर्फ वही कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे। वैसे कैंडिडेट्स जिनको ऑल इंडिया कोटा में या स्टेट कोटा में कोई सीट मिल चुकी है, जिन्होंने रिपोर्टिंग करके एडमिशन ले लिया है, वो एलिजिबल नहीं होंगे, पहली बात। दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई जा रही है। डायरेक्टली इसमें आपको लॉगिन करके आपको जो है चॉइस फिलिंग करनी होगी। जी हाँ, फिर से चॉइस फिलिंग करने की ज़रूरत होगी आपको। और सारे कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट्स भी इस स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनको 50,000 रुपये का 50,000 रुपीज़ की एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देनी होगी। ये सारे कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, EWS हो, SC ST OBC कोई भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनको 50,000 रुपीज़ की रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट उनको एक ऑनलाइन मोड में उनको डिपॉजिट करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ जब वो लॉगिन करेंगे तो उन्हें एक अंडरटेकिंग भी देनी होगी आपको, जिसमें कि इसमें यह कहा गया है कि यदि मैं अभी कोई सीट होल्ड नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो MCI काउंसलिंग में हो या फिर स्टेट काउंसलिंग हो, मैं कोई सीट होल्ड नहीं कर रहा हूँ और यदि मुझे सीट अलॉट होती है इस राउंड में, तो मैं उस सीट को मैं रिपोर्ट करूँगा, मैं वहाँ एडमिशन लूँगा। वैसे कैंडिडेट जो अलॉटमेंट के बाद यदि इस राउंड में अलॉटमेंट के बाद सीट नहीं लेते हैं, सीट छोड़ देते हैं, तो उनकी ये 50,000 रुपये की जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो जब्त कर ली जाएगी। इसलिए वैसे कैंडिडेट्स जो इंटरेस्टेड नहीं हैं सीट लेने में, उन्हें ये विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यदि आप सीरियस नहीं हैं, इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो आप इसमें पार्टिसिपेट ना करें। यदि आप पार्टिसिपेट करते हैं, आपको सीट अलॉट होती है और आप छोड़ते हैं, तो ये 50,000 रुपये आपकी चली जाएगी, वो जब्त कर ली जाएगी। इन सारे जो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें और आप फिफ्थ राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं फिर से दोहरा देता हूं कि वैसे कैंडिडेट्स जिन्होंने कोई सीट अभी होल्ड नहीं की है, वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन तो नहीं होगी, लेकिन फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी आपको, और साथ ही साथ सारे कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 50,000 रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देनी होगी। तो आप इन बातों का ध्यान रखें और आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे इस बारे में और कोई जानकारी होगी, मेडिकल मंत्रालय की टीम आपको जल्दी ही उस पर इन्फॉर्म करेगी एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।